अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिचाव वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। नजफगढ़ वासियों ने नागलोई स्टैंड से लेकर नजफगढ़ की फिरनी के चारों तरफ कैंडल मार्च निकाला। नजफगढ़ वासियों की मांग थी कि मोदी सरकार जल्द से जल्द 40 सैनिकों की मौत का बदला ले। पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने कहा कि इस लड़ाई में ऐसे सैनिक शहीद हुए हैं जो सिर्फ कम उम्र के ही थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जिनकी अभी शादी हुई है। उन्होंने भारत सरकार से न्याय मांगते हुए कहा कि सरकार तुरंत पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का करारा जवाब दे। आज की दुखद घटना हुई है, ये इस घटना के बारे में आप किस तरह से सोचते हैं, संवेदना किस तरह से व्यक्त करें? देखिए, ये जो आज हिंदुस्तान को इस दुर्घटना का जो सामना करना पड़ रहा है उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये एक ऐसा हादसा हुआ है जिससे हमारी रूह तक कांप गई। कोई 18 साल का है, कोई 27 साल का है, जिसकी शादी को एक साल हुआ है, जिसकी सगाई हुई है, या किसी का बच्चा 6 महीने का है। जो उम्र बच्चों की खेलने खाने की होती है वो हमारी उम्र के बच्चों के, जो मेरे बच्चे उम्र है उस उम्र के बच्चे आज शहीद हो गए। ये एक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, केवल नजफगढ़ के लोगों की एक बुलंद आवाज है कि हमें न्याय चाहिए, चाहे किसी की मत के चाहिए। देखिए, जो भी शहीद हुए हैं ये एक प्रकृति का नियम है, जो वापिस गया वो वापिस तो नहीं, जो चला गया वो वापिस तो नहीं आ सकता। लेकिन जो हमारे और सैनिक है बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार के द्वारा उचित कदम बढ़ाए जाने चाहिए और पाकिस्तान को भारत वर्ष की तरफ से एक करारा जवाब देना चाहिए ताकि वह दोबारा ऐसी मत ना कर सके। आप अपने मार्च के माध्यम से सरकार से क्या डिमांड करेंगे, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी। हम तो अपने नजफगढ़ की तरफ से एक ही अपील करते हैं कि जो सैनिक शहीद हो गए उनकी आत्मा को शांति मिले, सरकार ऐसा कदम बढ़ाए और जो भी सैनिक हैं उनको भी एक उत्साह मिले कि भारत वर्ष के एक एक जन हमारे साथ है और वह दुगनी बुलंदियों के साथ हमारी रक्षा के लिए लड़े। वहीं ईस्ट कृष्णा विहार के फौजी भाइयों ने सैनिकों के सम्मान में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें शहीद हुए 40 सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। हर आदमी रोड पर चलता है, खासकर इस चीज का ध्यान देना कि काला झंडा जिस भी गाड़ी पे लगा हुआ हो उस गाड़ी पे एक तो हॉर्न ना बजाए और उस गाड़ी को सबसे पहले जाने का रास्ता दे, और हो सके तो अगर जाम भी लग रहा तो उसको खुलवाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें किसी ना किसी भाई सैनिक की जो है ना डेड बॉडी जाती हुई आपको दिखाई देगी, तो उसमें सबसे पहले वो करें। दूसरा, हमारे देश में तीन चीज़ें सबसे ज़रूरी है, एक देश का किसान और एक जवान और तीसरी हमारी बहन बेटियाँ। अगर ये सब सेफ है ना तो हम सब सेफ हैं, क्योंकि सीमा हमारी अगर सेफ है तो हम यहाँ शांति से सो सकते हैं। अगर हमारा किसान कुछ उपज करेगा तो हम कुछ खा सकते हैं, और अगर हमारी बहन बेटियाँ ठीक है, इनकी इज्जत सेफ है, तो हमारे सर ऊंचा करके हम चल सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमेशा एक प्रण करो कि भाई हम किसी की बहन बेटी, हमारी बहन बेटी और दूसरे की बहन बेटी हमारी सबकी बराबर है, और सारी कॉलोनी आज लगभग इकट्ठी है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे हमारी एक गलियाँ हैं, अगर इनमें अपना गेट भी लगवाओ तो वो भी आप अपनी तरफ से कर लो, क्योंकि गेट लगेगा तो कोई अंदर जो ये कुछ बालक आते हैं जो उपद्रव करते रहते हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाए, कोई किसी की बहन बेटी को कुछ ना बोले, तो वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज सिर्फ हम अपने जो हमारे जो जवान हैं, आप सभी ने वीडियो भी देखी है, नेट पर भी देख रहे हो, टीवी पर भी देख रहे हो, तो उन जवानों के हालात बेचारों के किस तरीके से हुए हैं वो आप सब जानते हो, तो इसके लिए हमने आज कॉलोनी को इकट्ठा कराया है, और सिर्फ उनके हम उनका एक ही कर सकते हैं कि अभी हम ऊपर वाले से यही दुआ कर सकते हैं कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे, और जिन भाइयों के साथ ये घटना घटी है उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में एक अच्छा वो करे, और जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके बेचारों के परिवार को इस तरीके से मतलब उनको सोचन शक्ति बनाए कि उनके जो दुख से वो उभर सके, तो इसके लिए 2 मिनट का आप सभी मौन धारण करेंगे। हर न्यूज के लिए दिल्ली से सुनील बाल्यान की रिपोर्ट।